बात करते हैं सौम्या जी से, स्वागत है आपका। हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? एक्चुअली मेरे को आई साइट के लिए पूछना था, मेरी आई साइट काफी वीक है, इट्स 2.7 राइट नाउ। तो मेरी एज 23 है, बिकॉज ऑफ लैपटॉप्स और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके ज्यादा यूज की वजह से मुझे जरा थोड़ी और वीक हो गई है पहले से। ठीक है, सो व्हाट कैन यू, अगर कोई सोल्यूशन है इसका, कुछ रेमेडी, अगर होम रेमेडी, बिकॉज मैं सर्जरी कराना नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है जी। देखिए, ये वाकई होता है कि हम अत्यधिक इस्तेमाल जब कर लेते हैं फ़ोन का या लैपटॉप का, तो आप की आँखों पे फ़र्क पड़ता है, आप माने या ना माने। और इसके लिए चश्मे वगैरह जो आते हैं वो तो आपने इंतज़ाम किया ही होगा। जैसा मेरा चश्मा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये एक अंधेरा कमरा है और इस कमरे में लाइटों के ज़रिए रोशनी की गई है और इतनी तेज़ लाइटें हैं कि अगर आम तौर पर कोई बैठे तो उसकी आंखों पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं चश्मा लगा के बैठता हूँ, लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ चश्मा लगा के, फ़ोन भी। तो ये एहतियात ज़रूरी है कि ये रोशनी सब मसनूई है, नकली रोशनी में हम बैठे हुए हैं 3 कैमरों की कैद में, तो हमें अपना हिफाजत करनी चाहिए। ऐसे ही आप भी चश्मा ले लें जिस पर लाइटिंग का असर ना हो, मोबाइल या कंप्यूटर की। ये तो ज़रूरी है ही और आपने किया भी ज़रूर होगा, लेकिन नुकसान होने के बाद आदमी सोचता है। अच्छा देखिए, एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसमें लाल और पीला भी लोग देने लगते हैं, काफ़ी नकली चल रहे हैं, वो मत लें। बड़ी पड़ी हैं साइड हैं इसकी, इतनी साइड्स हैं और किसी भी कीमत पर वो बेचना चाहते हैं। गौन मोरिंगा सफ़ेद ही लें, आधा या 1 ग्राम, ये रॉ मटेरियल है, इसे पाउडर बना लें। इसका आधा या 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या गाजर के जूस में मिलाकर, या गाजर का जूस का मौसम ना हो तो सौंफ के पानी में मिलाकर, 2 चम्मच सौंफ के पानी में मिलाकर दिन में 1 बार ज़रूर पिया करें, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है।